जो विरोध करते हैं वो कौन होते हैं हमारे धर्म को मने कहने वाले, हिंदू लिखे भारत देश से संविधान से चलता है संविधान था। सरनाथ धर्म कोड के अलावे पूरे देश और विदेश से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सरनाथ धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, कैसे केंद्र सरकार के दरवाजे पर दस्तक देंगे, कैसे इसे अंजाम तक पहुँचाएंगे? केंद्र सरकार को दस्तक देने के लिए और उनकी नींद से जगाने के लिए ही यह महारैली बुलाई गई है और 2024 में चुनाव होने वाला है, इससे मद्देनज़र भी हम लोग इस महारैली को दिखाना चाहते हैं। इस महारैली से केंद्र सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि जो हमारे वर्षों पुरानी सरना धर्म कोड की जो मांग है उसे केंद्र सरकार लागू करे, क्योंकि झारखंड सरकार और बंगाल सरकार ने इसे पारित करके केंद्र को भेज दिया है और लगभग 21 राज्य में लोगों ने 50 लाख सरना धर्म कोड लिखा है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको विलम्ब ना करते हुए सरना धर्म कोड पारित करे। दिल्ली में भी आप लोगों ने जंतर मंतर पे सरना धर्म कोड को लेकर जो है कि धरना दिया, प्रदर्शन किया, और फिर यहाँ से ये दिल्ली तक किस तरह से पहुँचाएंगे? क्या यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों से भी आप मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे कि वहाँ संसद में भी बात को उठाएं, जो सांसद हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ के सांसद हो चाहे यहाँ के विधायक हो, हम लोग उनसे भी मिलेंगे और यहाँ के जो सांसद हैं या यहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा तो विधानसभा से निर्विरोध इस सरना धर्म कोड को पारित कर दिया गया है और इसलिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और कई पार्टी के सांसद भी राज्यसभा में और लोकसभा में इस बात को रख चुके हैं और इसलिए, और जो लोग अभी जैसे भारत सरकार जो भाजपा की सरकार है उसके जो सांसद है उनसे हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। आए दिन सरना धर्म कोड को लेकर विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा रैली, महारैली बुलाई जा रही है, तो क्या एक मंच पर आकर जो अपने हक और अधिकार और अपनी पहचान की जो लड़ाई है उसकी मांग को लेकर एक मंच पर नहीं आ सकते, साझा मंच नहीं हो सकता? ये साझा मंच तो क्यों नहीं हो सकता, यहाँ इतने संगठन जो अब साझा मंच के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, कुछ संगठन हैं जो राजनीतिक पार्टी से जो जुड़े हुए हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए, यहाँ तो धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग हैं ये इस संगठन से, बाकी जो जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि जैसे कि झारखंड जो राज मांगा गया था उस समय भी कई जो राजनीतिक संगठन थे और उनके द्वारा आंदोलन हुआ और झारखंड राज मिला, उसी तरह के कई सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक संगठन हैं जो इस कोड को लेके निरंतर वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और इसलिए मंजिल चाहिए, कई रास्ते से लोग मंजिल की तलाश में निकलते हैं, उसी तरह कई संगठन है जो इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज आह्वान करेंगे अपने जो यहाँ पर आएंगे जो जनसमूह उमड़ा है और जो लोग अभी और आ रहे हैं, तो उन्हें ये कहेंगे कि वो भटके नहीं और अपने दिशा अपनी दशा खुद तय करें और जो एकजुटता है, गोलबंदी है, उसे बरकरार रखें? जी बिल्कुल, जो लाखों की संख्या में जो आ रहे हैं उनको आह्वान किया जाएगा, उनको एकजुटता दिखाने के लिए लोग आ रहे हैं और उनका दशा और दिशा और कभी नहीं भटकेंगे, जो हम लोगों के साथ में जो है वो सरना कोर्ट से कभी विचलित नहीं होंगे, अपनी मांग को लेकर ही रहेंगे। धन्यवाद। गिरजा जाने वाले वो हमारा धर्म जो है, हम धर्म की लड़ाई हम चाहते हैं और इसलिए असली पहचान जो जनजाति है उसका धर्म क्या है, तो हम जनजातियों का धर्म सरना है। जनजाति ये जो हिंदू धर्म में चले गए हैं, जनजाति ईसाई धर्म में भी चले गए हैं, तो हम जो हैं सरना धर्मावलंबी, जो असली लड़ाई जो हम अखरा से हमारा पहचान होता है, हम जो प्रकृति उपासना करते हैं उससे पहचान है, तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा से हमारी आदि पहचान नहीं है, यही लड़ाई। सर, अब राष्ट्रपति जो हैं राज देश की वो आदिवासी हैं, तो क्यों नहीं आप लोग उनके सामने भी अब जाते हैं, डिमांड रखते हैं कि भाई जब सबसे ऊपर के पद पे आप हैं तो इस पर ध्यान दीजिए? हमारे कई आंदोलनकारी, कई संगठन राष्ट्रपति से मिल चुका है और हम लोग भी ये महारैली के बाद हम लोग भी राष्ट्रपति से अपनी बातों को रखेंगे। विषय है और ये महारैली जो हम लोगों ने बुलाया है केंद्र सरकार को जगाने के लिए, केंद्र सरकार को बताने के लिए कि लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सरना धर्म कोड की आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपना एकता को प्रदर्शित करेंगे और केंद्र सरकार को हम लोग सरना धर्म कोड लेने में मजबूर करेंगे। सरना धर्म कोड क्या है, पहले तो ये बताइए आप दर्शकों को। सरना धर्म कोड ये हमारी धार्मिक पहचान की लड़ाई है, आदिवासियों के बारे में कहा जाता है आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, तो आदिवासी हिंदू में हैं,
आदिवासी ईसाई हैं, आदिवासी इस्लाम है, कहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी जो भी किसी भी धर्म में लोग हैं तो उनको जनजाति के रूप में रिजर्वेशन मिला हुआ है। नौकरी करते हैं लोग, ये चुनाव भी लड़ते हैं और बहुत सारे लोग ये जो अल्पसंख्यक का भी लाभ लेते हैं। लेकिन जो सरना धर्म जो जो प्रकृति के उपासक हैं, जो ओरिजिनल जो हैं, उनका मैंने जो कहा धार्मिक शोषण हो रहा है, धार्मिक पहचान नहीं है और इसलिए हिंदू में कभी तो कभी ईसाई में कभी इस्लाम में आदिवासियों को गणना की जाती है। और कई विद्वान या बुद्धिजीवी जो हम तो कहेंगे जानकार की कमी है और वो कहते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है, तो इसीलिए महारैली बुलाई गई है और वर्षों से आदिवासी अपना धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है, धार्मिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, सभी लोग चाहते हैं कि अपनी हमारी पहचान, क्योंकि जनजातियों की पहचान जो ये पहचान है, हमारी रूढ़ी और प्रथा की जो पहचान है वो चर्च से नहीं है, वो मंदिर से नहीं है, मस्जिद से नहीं है, गुरुद्वारा से नहीं है, हमारी पहचान प्रकृति से, हमारी पहचान अखरा से है। और इसलिए हम एक सेपरेट धर्म कोड की मांग करते हैं। जिस तरह से 6 धर्म है उसी तरह 7वां कोलम बने, जिसमें कि जो ईसाई धर्म में ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, जो जनजाति, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो जैन बौद्ध को नहीं मानते, उसकी ये लड़ाई है कि हमें सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। झारखंड से लगभग पारित में 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, इसके बावजूद केंद्र सरकार अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया और इसको पारित करने के। हाँ, ये बात जरूर है कि आरएसएस और भाजपा नहीं चाहती है कि आदिवासियों को सेपरेट धर्म मिले, क्योंकि वो भी आदिवासियों का शोषण करना चाहता है। जिस तरह से चर्च भी धर्मांतरण कराता है, हिंदू भी अपने धर्मांतरण कराने लाखों की संख्या में लोग यही कहते हैं, तो ये हम लोग चाहते हैं कि हमारा लिए सेपरेट धर्म कोड मिले और हम शोषण से मुक्त और अब धार्मिक आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी के बाद लगातार जनगणना मालूम होगा, क्योंकि ईसाई का जनगणना होता है, हिंदुओं की जनगणना होती है, लेकिन हमारा अगर धार्मिक रूप से जनगणना होगा तो पूरे देश में पता चलेगा कि सरना धर्म मानने वाले कितने हैं। आरएसएस के जो सबसे दलित हैं महान भागवत, उनका जो विरोध करते हैं वो कौन होते हैं हमारे धर्म को मने कहने वाले? हिंदू लिखे, भारत देश से संविधान से चलता है, संविधान ने हमें आज़ादी दी है और आरएसएस या आर्यन जो हैं और भागवत जो है वो भारत देश का नहीं है। भले वो यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में मिलजुल गए हैं और हम यहाँ के मूल निवासी और हमें अपनी धार्मिक आज़ादी चाहिए, हम हिंदू नहीं हैं और इसलिए इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं। सर ये बस एक सवाल है, ये जो महारैली है इसके तहत क्या आप लोग